You just start getting. गुड मॉर्निंग बच्चों, और आप सभी को भी मेरा सादर नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं के अध्याय 16 क्षेत्र मिति 1, या जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, इसकी बात करेंगे। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम वर्तमान वातावरण में जो व्याप्त समस्या है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, आप सभी हमेशा मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। कोरोना यह जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी से सुरक्षा के जो उपाय है वही केवल आपको बचा सकते हैं, इसलिए आप मास्क का प्रयोग हमेशा करिए। और जब भी आप बाहर कुछ वस्तुओं को छुएं तो अपने हाथों को सैनिटाइज अवश्य कीजिए। कल और आज शाम 6 बजे से जो लॉकडाउन प्रारंभ हो रहा है, उस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कीजिए। आप सभी अपने घरों में रहिए और आइए हम सब इसे मिलकर इस महामारी को समाप्त करें। बच्चों, आइए हम अपने आज के इस अध्याय पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आज हम क्षेत्रफल पर बात करेंगे। अंग्रेजी में से एरिया कहा जाता है। तो यह क्षेत्रफल क्या है, आइए देखते हैं। क्षेत्रफल से पहले आपको कुछ आकृतियों का परिचय होना अति आवश्यक है। बच्चों, जैसे यहाँ मैं कोई एक आकृति इस प्रकार की बना रही हूँ, तो आकृति यह या तो सीधी रेखाओं से बनी हुई हो सकती है, या आप देख सकते हैं इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से। तो जो सीधी रेखाएं हैं वे तो सरल रेखा, रेखाखंड या किरण के नाम से भी हम इन सभी आकृतियों के जो खंड है उसे जानते हैं। परंतु ये जो टेढ़ा मेढ़ा आकार है इसे हम क्या कहते हैं? बच्चों, ये कहलाती है वक्र, वक्र रेखा। जो रेखा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए इसे हम वक्र कहते हैं। तो देखिए, आप इन दोनों आकृतियों में क्या कोई अंतर पा रहे हैं? बच्चों, हमने इस आकृति को यहाँ से प्रारंभ किया है। प्रारंभ करते हुए हम यहाँ चले, इस आकृति के हम किनारे किनारे चलते हुए यहाँ पर पहुंच गए। परंतु हम जिस बिंदु से प्रारंभ किए थे उस बिंदु पर नहीं पहुंच पाए हैं, इसीलिए यह कैसी आकृति है, क्या आप में से कोई बताएंगे? बच्चों, ये कौन सी आकृति है? चलिए हम चर्चा करते हैं। यह है खुली आकृति, यह है खुली आकृति। और अब हम बंद आकृति पर चलते हैं। तो देखिए, यदि आप इस बिंदु से या किसी भी एक बिंदु से प्रारंभ करते हैं और किनारे किनारे चलते हैं, इस आकृति के किनारे किनारे चलते हुए वापस अपने प्रारंभ बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो यह कहलाती है बंद आकृति। बंद आकृति। बच्चों, आइए हम कुछ चित्र देखते हैं। इन चित्रों में आपको बताना है कि कौन सी आकृति बंद आकृति का चित्र है और कौन सी आकृति खुली आकृति का। तो बच्चों,
देखिए यहाँ पर सेकंड स्लाइड, इन आकृतियों में सेकंड वाली स्लाइड, हाँ यहाँ देखिए बच्चों, आकृति क्रमांक एक यह बंद आकृति का उदाहरण है। आकृति क्रमांक दो में यह अंतिम बिंदु पर जाकर नहीं मिला है, इसलिए यह एक खुली आकृति है। साथ ही तीसरा चित्र बताइए बच्चों, यह कौन सी आकृति है? यह एक बंद आकृति है। अब आ जाइए आप सातवीं आकृति पर। आप इस सातवीं आकृति को क्या कहेंगे? इस सातवीं आकृति में दो स्थानों पर यह आकृति खुली है। इस प्रकार का यह जो चित्र बना हुआ है, इसे भी आप खुली आकृति के अंतर्गत लेंगे। आइए अब हम देखते हैं इन आकृतियों का हम क्या उपयोग करेंगे हमारे इस क्षेत्रफल के पाठ में। तो देखिए बच्चों, क्षेत्रफल, अब आपने सतहें देखी हैं। कुछ सतह होती है जो हमेशा या एकदम समतल होती है, और कुछ सतह होती है बच्चों वक्र टेढ़ी मेढ़ी। तो आपको समतल सतहों के बारे में हम पहले बात करते हैं। जैसे टेबल का टॉप आप ले लीजिए, उदाहरण के लिए आप श्याम पट ले सकते हैं। यह जो श्याम पट, अब यहाँ पर यह व्हाइट बोर्ड है, तो यह भी एक समतल का उदाहरण है। साथ ही आप मैदान देखते हैं, तो मैदान भी अगर अच्छे से पाटा जाए तब वह समतल होता है, अन्यथा वह ऊबड़ खाबड़ होता है, और उसे हम वक्र सतह कहते हैं। तो हमें जो क्षेत्रफल आपके इस कक्षा छठवी में पढ़ना है, वह केवल समतल में बनी हुई आकृतियां, समतल की जो आकृतियां हैं उससे क्षेत्रफल से संबंधित हम बात करेंगे। तो देखिए, समतल अर्थात मान लीजिए हम इस ब्लैक बोर्ड पर कोई एक आकार बना लेते हैं। इस प्रकार का एक आकार हमने बनाया। अब इस आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें? तो देखिए बच्चों, इस समतल बोर्ड का जितनी जगह या जितना स्थान इस आकार ने घेरा है, उसे हम क्षेत्रफल कहेंगे। अब क्षेत्रफल, इसके अंदर का जो क्षेत्र है, इसे हम क्षेत्रफल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपने एक छोटा सा उदाहरण जो अपने जीवन में देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको बाजार जाकर आपके कोई बड़े बुजुर्ग या किसी बच्चे के लिए कहा जाता है कि जूता या चप्पल हमारे साइज का लेकर आना। अब उसके लिए आप साइज या जूता जब बनाने वाला मोची जो होता है, वह भी किसी व्यक्ति का जब जूता या चप्पल बनाता है, तो सबसे पहले उसका एक आकृति उसकी बना लेता है। अब वो आकृति कैसे बनाएगा? तो या तो किसी तैयार चप्पल के माप को वह यहाँ पर इस प्रकार से बना लेते हैं, या पैरों का जो निशान होता है उसको ले लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आपने उस कागज पर आका है, वह कहलाता है क्षेत्रफल। तो बच्चों, ये जो आकृतियां हैं, पुनः हमारे पास वक्र रेखाओं से निर्मित आकृतियां हैं, तो हम क्षेत्रफल के अंतर्गत चाहे वह वक्र रेखाएं या सरल रेखाओं से बनी आकृतियां हो, हम किसी भी प्रकार की आकृतियों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु आपकी इस कक्षा में हमें केवल सरल रेखाओं से बनी आकृति लेना है, जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और तल समतल लेना है। इस कक्षा में आप चर्चा करेंगे ये क्या आकृति है, बताइए
किस प्रकार की आकृति है यह? यह एक चौकोर या इसे हम कहते हैं आयत, आयताकार, और एक है यह आकृति। तो देखिए इन दोनों आकृतियों में यह दूसरी जो आकृति बनी हुई है यह है वर्ग आकृति। बच्चों अधिकतर क्षेत्रफल का जब पाठ आता है छोटी भी कक्षाओं में आपने देखा है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में, तो आप हमेशा उसका सूत्र प्रयोग कर लेते हैं। सूत्र में आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान रख देते हैं, उसका गुणा करके आप क्षेत्रफल लिख देते हैं। परंतु यह क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप एक आयत ले लीजिए इस प्रकार से। इस आयत का जो भी नाम आपको लेना है, आप अगर 3 और 5 का ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो देखिए यह जो आयत है इसमें 6 सेंटीमीटर आप ले रहे हैं लंबाई और इसकी चौड़ाई आपने ले ली 3 सेंटीमीटर। इस आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ हम सूत्र विधि से नहीं, हमें ज्ञात करना है सबसे पहले कि हम इसे कैसे प्राप्त करें यदि हमारे पास सूत्र नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेते हैं। बराबर दूरी पर निशान लगाते हैं और इन इसी प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यहां भी निशान लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार इसकी प्रत्येक भुजा पर आपको 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाना है और इस निशान लगाने के पश्चात अब आपका काम होगा कि आप सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाओं पर जो आपने निशान लगाए हैं उन निशान को मिलान करना है। देखिए इस प्रकार से आपने यह पहला, दूसरा, इस प्रकार आपने इन्हें मिलान किया। बच्चों देखिए हमने 1-1 सेंटीमीटर, यह भी छोटा सा जो हिस्सा है यह 1 सेंटीमीटर है, पुनः यह जो लंबाई है यह भी 1 सेंटीमीटर है। अतः हमने क्या किया है इस आयत को 1×1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे वर्गों में विभाजित कर दिया। तो प्रत्येक वर्ग जो यहाँ पर है उसका जो क्षेत्रफल है आप देख पा रहे हैं इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसे कितने वर्ग हमें प्राप्त हुए हैं, इन्हें हम गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी प्रकार से अगर आप इस स्थिति में ले रहे हैं तो 7, 8, ये गणना करते हुए आप पाएंगे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं कितने, 18 वर्ग। 18, हाँ, अब इन 18 वर्गों को आप लिख सकते हैं 1×18। क्यों 1×18? क्योंकि प्रत्येक वर्ग जो है उस प्रत्येक वर्ग का जो क्षेत्रफल है यह 1 सेंटीमीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो इस प्रकार ऐसे 1-1 वर्ग सेंटीमीटर के हमारे पास 18 वर्ग हैं। तो इन 18 को हम लिख सकते हैं 1×18। अब बच्चों यह आया आपके पास 18 वर्ग सेंटीमीटर, यह हमारे इस पूरे आयत का क्षेत्रफल। परंतु क्या अगर हम सूत्र पर इसमें जाएं तो वही क्षेत्रफल मिल रहा है
या नहीं मिल रहा है, आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या आप बताएंगे 18 कौन कौन सी संख्या के पहाड़े में आता है? तो बच्चों 18 दो के पहाड़े में भी आता है, हाँ 9 के पहाड़े में, और किस पहाड़े में आता है बच्चों? क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है? 3 में आता है 18? हाँ आता है। तो देखिए 3 के पहाड़े में 6 बार आता है। अब हमने 3 और 6 को क्यों चुन रहे हैं उसे देखते हैं। तो देखिए 2 और 9, 9 दूने 18 और 6 दिया या 3 छक्के भी 18 होता है। तो यहाँ हम 6 और 3 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो आयत है उसकी भुजाएं 6 और 3 दी गई है। चलिए देखते हैं 18 को हम लिखते हैं 3 × 6, या आप यहां लिख सकते हैं 6 × 3। तो बच्चों छठवीं में आपने प्रारंभ के अध्याय में पूर्ण संख्याओं के अध्याय में क्या पढ़ा हुआ था? आपने क्रम विनिमय नियम पढ़ा है और इसीलिए 3 × 6 करने से भी हमें 18 मिल रहा है और 6 × 3 करने से भी 18 मिल रहा है। तो देखिए आप इसे लिख पाएंगे 3 × 6 या 6 × 3। तो इस प्रकार से आप दोनों ही स्थितियों में उत्तर आपके पास 18 आ रहा है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं। देखिए यह जो 3 सेंटीमीटर है यहाँ पर चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर आप ले लीजिए लंबाई है इस आयत की। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हाँ चौड़ाई गुणित लंबाई, या इसे आप पलट दीजिए तो यह बनेगा लंबाई 6 के स्थान पर लंबाई और 3 यानी चौड़ाई। तो देखिए क्या हम इस प्रकार से अगर लिख रहे हैं तो यह हमारा सूत्र बन रहा है 6 × 3 = 18 और 3 × 6 = 18। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे इस आयत का जो क्षेत्रफल है वह 18 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। यही हमें ज्ञात करना था बच्चों। तो हम यहाँ पर अभी लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। हाँ आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना चाहते हैं बच्चों। तो आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह हमें प्राप्त हो रहा है, या तो हम इसे लंबाई गुणित चौड़ाई लिखें या आप इसे चौड़ाई गुणित लंबाई भी लिख सकते हैं। आपको इस अध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें सूत्र का प्रयोग करके आपको यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए अब हम इस वर्ग के क्षेत्रफल पर बात करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, मान लीजिए आप इस वर्ग को ले रहे हैं, हाँ 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर है अगर इसकी भुजा, तो इसमें चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर होते हैं तभी हम इसे वर्ग कहते हैं। अब देखिए वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है। कैसा आयत है विशेष प्रकार का? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है। तो देखिए बच्चों जो कार्य हमने यहाँ एक एक वर्ग सेंटीमीटर के छोटे छोटे खाने बनाए थे वैसा ही हमें यहाँ भी करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा पर हमें 1 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। अब हम सम्मुख भुजाओं के इन निशान को इस प्रकार मिला लेते हैं और यहाँ पर इस प्रकार। देखिए हमारा यह जो वर्ग है यह एक एक सेंटीमीटर, एक वर्ग सेंटीमीटर के कितने खानों में विभक्त हो गया? देखिए कितने विभक्त, कितने टुकड़े हो गए इस वर्ग के? 4। और यही हमारे पास
अब हम इसे कैसे लिखें, आइए देखें। तो देख सकते हैं आप यहां पर एक वर्ग सेंटीमीटर का एक, दो, तीन और चार टुकड़े या चार वर्ग आपको मिल रहे हैं, इसलिए आप वर्ग का यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए एक वर्ग सेंटीमीटर के आपको चार टुकड़े मिले हैं, इसलिए इसे आप लिखेंगे चार वर्ग सेंटीमीटर। तो आगे अब हम इसे जानना चाहते हैं कि इसका हम सूत्र क्या बनाएं। तो देखिए उसके लिए हमें इस क्षेत्रफल को कैसे हम लिखें, तो देखिए बच्चों वर्ग में आप ऐसे चार के ऐसे दो गुणनखंड बताइए जो समान संख्या हो, या हम कह सकते हैं अभी आप कक्षा छठवीं में हैं, अन्यथा आठवीं के जो बच्चे हैं वे इसका वर्गमूल बता देंगे। चार का वर्गमूल क्या होता है, तो चार का वर्गमूल ऐसी संख्या बताइए जिसको उसी से गुणा करने पर आपको चार प्राप्त हो। जी हाँ, आप पाएंगे दो का गुणा दो से करने पर आपको चार मिलेगा। तो देखिए यह जो दो सेंटीमीटर है इस वर्ग की भुजा है, दूसरा भी यहां पर वर्ग की भुजा है, अर्थात आप कह रहे हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह हो जा रहा है पहली भुजा उसका गुणा दूसरी भुजा, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल हमें मिल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, जिसे आपने लिया दो गुणित दो, तो अर्थात अब आपको यहां मिल रहा है चार वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये प्रश्न आपके ओर से आना चाहिए था कि ये वर्ग सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए आइए हम बात करते हैं इस पर। यहाँ जब हम केवल लंबाई की बात करते हैं तो वह एक रेखाखंड है, एक भुजा है, तो केवल रेखाखंड या भुजा का की जो मात्रक होती है, इकाई होती है, वह होती है सेंटीमीटर, मीटर, इंच। इस प्रकार से आप अलग अलग इकाइयां उसमें प्रयोग करेंगे, लेकिन जब एक इकाई का दूसरी इकाई से गुणा हो गया और दोनों ही इकाइयां सेंटीमीटर में है, देख सकते हैं यहाँ सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर का कितनी बार गुणा किया, दो बार, और इसीलिए इसे हम कहते हैं या तो हम इसे शब्दों में लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर, या इसे लिखा जाता है वर्ग सेंटीमीटर की घातांक दो। आपको किताबों में यह मिल सकता है लिखा हुआ, जिसका अर्थ आपको जानना है। तो अब हमारे पास वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र बना, बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल आप पा रहे हैं, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपको मिल रहा है, हाँ कहिए, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। अगला हम बिंदु यहां पर और लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल की इकाई, क्षेत्रफल की जो इकाई है, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होगी, अर्थात यदि सेंटीमीटर दिया है तो उसे हम वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे, मीटर में भुजाएं दी गई हैं तो वर्ग मीटर कहेंगे, या वर्ग मीटर, किलोमीटर, या आप इंच ले सकते हैं, जो भी। कई बार लंबाइयों का मापन फुट में भी किया जाता है तो वर्ग फुट भी हम कह सकते हैं। ये जो विशेष बिंदु हैं, इन बिंदुओं का आपको ध्यान रखते हुए कुछ प्रश्न आइए हम करते हैं। तो बच्चों देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है कि सूत्र विधि से 6 सेंटीमीटर
भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास, हमने यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं और इन सूत्रों में से वर्ग कहा गया है, तो वर्ग के सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए बच्चों। जी हाँ, यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं वह सूत्र लिखा हुआ है, भुजा गुणित भुजा। तो आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न बनाएं तो सबसे पहले हल में आपको सूत्र लिख लेना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। और यहाँ अब हमारे पास भुजा की माप दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो इसे लिख लीजिए आप 6 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर। अब आप 6 का 6 बार गुणा करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे 36, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसलिए हमने पहले बात की थी इकाई के बारे में, तो यह आ रहा है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह हमारे पास, अब आपका अंतिम ये लिखना होता है उत्तर, तो वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ कहिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसका प्रयोग करके आपको अन्य प्रश्न प्रश्नावली में इसलिए बनाना है। इसी प्रकार से हमें आयत के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, आप जब भी इन प्रश्नों को बनाएं दोनों ही विधियों का प्रयोग करें, एक एक सेंटीमीटर के वर्ग बनाकर उन खंड का उपयोग करके आप उसे हल कीजिए। आगे आइए हम कुछ कक्षा कार्य देखते हैं बच्चों। आपसे यहाँ ध्यान दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह आपका कक्षा कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए आप पहला चित्र देखिए, इस चित्र में बताइए, यह जो चित्र बना हुआ है आपके पास, यह चित्र कैसा चित्र है, कौन सी आकृति को प्रदर्शित कर रहा है, बताइए यह किस प्रकार की आकृति है। आकृति एक खाली स्थान आकृति है, हाँ बताइए यह कैसी आकृति है, बंद आकृति है या खुली आकृति है। खुली आकृति, बिल्कुल सही, यह क्या आकृति है, खुली आकृति। ठीक है, दूसरा देखिए, किसी समतल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका खालिस्थान कहते हैं, या वह उसका खालिस्थान होता है। जितना स्थान कोई वस्तु किसी सतह पर घेरती है वह क्या कहलाता है बच्चों, बताइए वह क्या कहलाता है। जैसे इस सतह पर हमने कोई एक आकृति खींच ली है, ये तो इस आकृति ने इस सतह का जितना स्थान घेरा उसे हम क्या कहते हैं, पाठ का नाम पढ़िए, क्या कहते हैं उसे, क्षेत्रफल। बिल्कुल ठीक। आइए तीसरा आपका खाली स्थान है, आयत का क्षेत्रफल बराबर खाली स्थान गुणित चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोगों ने चर्चा की थी यहाँ पर, तो बताइए बच्चों आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। हाँ बिल्कुल ठीक, बोलिए जोर से बोलिए, लंबाई, बिल्कुल सही, लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए चौथा प्रश्न है, क्षेत्रफल का मात्रक
खालिस्थान होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बताइए? मात्रक अर्थात इकाई। क्षेत्रफल की इकाई यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। वर्ग मीटर। तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे, हमने क्या कहा है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है। क्या इकाई होती है? वर्ग इकाई। वर्ग इसलिए आपका जो उत्तर आएगा यहाँ पर वर्ग इकाई कहलाएगा। चलिए अगला पांचवा देखिए। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल खालिस्थान वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो क्या करना होगा बच्चों आपको? 4 सेंटीमीटर भुजा दी है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र में मान रखिए भुजा गुणित भुजा, और बताइए आप क्या पाएंगे? 4 का गुणा 4 से करिए, 4 का गुणा, हाँ कहिए, 4 का गुणा 4 से गुणा करना है, जोड़ना नहीं है। आठ 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 8 नहीं, 8 आप लोग जोड़ रहे गुना हैं, 4 का गुणा। चलिए 4 का पहाड़ा 4 बार सोलह पढ़िए, चार का पहाड़ा, सोलह हाँ 16 सोलह वर्ग, सोलह सोलह मैम। सोलह वर्ग सेंटीमीटर। शाबाश, बहुत अच्छा। तो हमें अब हम एक प्रश्न बनाएंगे जिसमें आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत के क्षेत्रफल में ऐसा ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर हो। लंबाई आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो आयत है बच्चों, पहला आपका काम चित्र बनाना, दूसरा आपका काम सूत्र लिखना, और फिर आपको सूत्र में मान रखना है और लंबाइयों, लंबाई चौड़ाई का फिर उसका गुणा करके आपको उत्तर प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ 7 सेंटीमीटर लंबाई, ये चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। अरे चलिए सूत्र बताइए, आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? आयत के, हाँ बोलो, आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? बोलिए बच्चों, लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप यहाँ पर मान रखिए तो 7 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। चलो बताओ अभी 7 और 3 इनका गुणा कीजिए। हाँ पहाड़ा पढ़िए, 7 का 3 बार पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए, 7 का 3 बार पहाड़ा पढ़ने से आप पाएंगे 21 वर्ग सेंटीमीटर, 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली में दिए गए जो प्रश्न हैं उन्हें सूत्रों का प्रयोग करके, और साथ ही आपको चित्र को जो दिया गया प्रश्न है उसे एक एक वर्ग सेंटीमीटर के ग्रिड बनाना है, जाल बनाना है, और वर्गाकार खानों की संख्या को गिनकर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रश्नावली 16 के जो प्रश्न हैं ये आपका गृह कार्य है, इस गृह कार्य को आप पूर्ण करिए और अपनी कॉपियों में पूरा कीजिए। आइए हम लोग एक बार और देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा किसी समतल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे ही हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग होता है। और आपने सीखा क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। वर्ग इकाई अर्थात सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, फुट,
किसी में भी हो सकता है, तो आप क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई के अंतर्गत लेते हैं। तो बच्चों आप अपनी पुस्तकों में प्रश्नावली 16 खोलिए, आप उसमें देख पाएंगे कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्रों में पहचान करनी है कि वह चित्र बंद आकृति का है या खुली आकृति का। तो आप उसमें बंद और खुली आकृतियों की पहचान करके उसे अलग अलग कीजिए। बच्चों आशा करती हूँ कि आप इस क्षेत्रफल पाठ को समझ पाए होंगे, और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने शिक्षकों से भी अपनी समस्या को साझा करवा सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आप अपनी कॉपियों में इस प्रश्नावली 16 के प्रत्येक प्रश्न को करिए, यह आपका गृह कार्य है, और इसे पूर्ण करके कॉपियां जांचने के लिए अपने शिक्षकों के पास लेकर जाएंगे। बच्चों साथ ही आप इस कोरोना महामारी के समय में उसमें जो सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों का ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे हाथों को बार बार, और दूरी बनाकर रखेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहकर आप इस महामारी से उबर सकते हैं। और साथ ही हम प्रतिदिन जो SCERT शंकरनगर से जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होती हैं, इन ऑनलाइन कक्षाओं को बच्चों प्रतिदिन आप अटेंड करें और इसका लाभ अवश्य लें। इसके साथ ही मैं अपनी यह जो कक्षा है इसे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।